हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अदाकार भी हैं जो कि अक्सर अपने बहन भाइयों के साथ तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अदाकार भी हैं जिनके बहन भाइयों के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कामयाब और मशहूर अदाकारों के बहन भाइयों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरफ से गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदाकार बिलाल अब्बास के बारे में। अदाकार बिलाल अब्बास जो कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में काफी मकबूल हैं। अदाकार बिलाल अब्बास की एक बहन है जो कि उम्र में इनसे बड़ी है। इनकी बहन का नाम सना तौसीफ है। इनकी बहन का अपना बिजनेस है। इसके अलावा सना तौसीफ लिखना भी काफी पसंद करती है। बिलाल अब्बास की बहन एक मशहूर राइटर भी है। अदाकार बिलाल अब्बास को अक्सर अपनी बहन के साथ मुख्तलिफ तस्वीर में देखा जाता है। अदाकार बिलाल अब्बास का कहना है कि वो आज जिस मुकाम पर हैं इसके पीछे इनकी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर टू, अदाकारा सज्जल अली और अदाकारा सबूर अली। अदाकारा सज्जल अली और अदाकारा सबूर अली जो कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की बदौलत अब तक पाकिस्तान के बहुत से ड्रामों में लीडिंग किरदार निभा चुकी हैं। अदाकारा सबूर अली और अदाकारा सज्जल अली का एक भाई है जिसका नाम मोहम्मद अली है। अदाकारा सबूर अली और अदाकारा सज्जल अली को अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात पर अपने भाई के साथ देखा जाता है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि ये तीनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। इसके अलावा इन तीनों का कहना है कि ये करियर में भी एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। नंबर थ्री, अदाकारा आयशा खान। आयशा खान जो कि अब तक बहुत से पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर चुकी हैं। हाल ही में अदाकारा आयशा खान की शादी के मौका पर अदाकारा आयशा खान को इनके भाइयों के साथ देखा गया था। अदाकारा आयशा खान का कहना है कि वो अपने भाइयों के काफी करीब हैं और आयशा खान अपनी हर बात अपने भाइयों के साथ शेयर करना पसंद करती हैं। नंबर फोर, फवाद खान। हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक फवाद खान जो के पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी काफी मकबूल हैं। अदाकार फवाद खान पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों के अलावा इंडियन फिल्मों में भी परफॉर्म कर चुके हैं। अदाकार फवाद खान की एक बहन है जिसका नाम सना खान है। सना खान प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। अदाकार फवाद खान को अपनी बहन से काफी प्यार है। इसका अंदाजा इस बात से होता है कि अदाकार फवाद खान ने अपनी बहन की शादी के मौका पर शादी की तमाम तर जिम्मेदारियां खुद संभाली और हाल ही में अदाकार फवाद खान ने अपनी बहन के साथ तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसे नाजरीन ने काफी पसंद किया। नंबर फाइव, हमजा अली अब्बासी। अदाकार हमजा अली अब्बासी जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अदाकार हमजा अली अब्बासी की एक बहन है जिसका नाम फजीला अब्बासी है। फजीला अब्बासी प्रोफेशन से एक डॉक्टर है जो कि इस्लामाबाद और दुबई में अपना क्लिनिक चलाती है। अदाकार हमजा अली अब्बासी अपनी बहन के बहुत करीब हैं। अदाकार हमजा अली अब्बासी अपनी बहन के साथ अक्सर खास लम्हात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि इनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम है। नंबर सिक्स, आयजा खान। अदाकारा आयजा खान अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की बदौलत शोबिज इंडस्ट्री में काफी पसंद की जाती हैं। अदाकारा आयजा खान के दो भाई हैं। अदाकारा आयजा खान भी अपने भाइयों के काफी करीब हैं। अदाकारा आयजा खान के छोटे भाई की शक्ल अदाकारा आयजा खान के साथ काफी मिलती है। अदाकारा आयजा खान अक्सर मुख्तलिफ फंक्शंस में अपने भाइयों के साथ देखी जाती हैं। अदाकारा आयजा खान को अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना काफी पसंद है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि इनके दरमियान काफी प्यार है। नंबर सेवन, फिरोज खान। फिरोज खान जिन्हें कौन नहीं जानता। हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक फिरोज खान जिनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। अदाकार फिरोज खान की दो बहनें हैं, अदाकारा हुमायमा मलिक और अदाकारा दुआ मलिक। इनकी बहनें भी शोबिज इंडस्ट्री में काफी मकबूल हैं। अदाकार फिरोज खान भी अपनी बहनों के काफी करीब हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदाकार फिरोज खान की शादी के मौका पर फिरोज खान की दुल्हन का इंतखाब भी इनकी बहनों ने ही किया था। अदाकार फिरोज खान अक्सर अपनी बहनों के साथ तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं।
नंबर 8 अरसलान फैसल। अदाकार अरसलान फैसल की एक बहन है जिसका नाम सादिया फैसल है। अदाकार अरसलान फैसल और अदाकारा सादिया फैसल कामयाब अदाकारा सबा फैसल के बच्चे हैं। अदाकार अरसलान फैसल जो कि बहुत से पाकिस्तानी ड्रामों में परफॉर्म कर चुके हैं और इनकी बहन भी एक कामयाब अदाकारा और मॉडल हैं। ये दोनों बहन भाई अपने शोबिज करियर में एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इन्हें ज़्यादातर एक साथ देखा जाता है। नंबर 9 महविश हयात। कामयाब अदाकारा महविश हयात जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। महविश हयात जो कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की बदौलत अब तक कई कामयाब और मशहूर पाकिस्तानी फिल्म्स और ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं। महविश हयात का एक भाई है जिसका नाम दानिश हयात है। दानिश हयात हर काम में अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं। दानिश हयात का कहना है कि इन्हें अपनी बहन पर बहुत प्राउड है और ये दोनों बहन भाई भी अक्सर खास लम्हात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। नंबर 10 हीरा मानी। अदाकारा हीरा मानी के चार भाई हैं। अदाकारा हीरा मानी अपने भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से अपने भाइयों की काफ़ी लाडली हैं। अदाकारा हीरा मानी का कहना है कि वो अपने हर काम में अपने भाइयों को ज़रूर शरीक करती हैं। अदाकारा हीरा मानी भी अपने भाइयों के काफ़ी करीब हैं जिसका अंदाज़ा इनकी मुख्तलिफ तस्वीर से होता है। अदाकारा हीरा मानी का कहना है कि इनके भाइयों ने इन्हें इनके शोबिज़ करियर में काफ़ी सपोर्ट किया और इनके भाई इन्हें हर काम में सपोर्ट करते हैं। नंबर 11 दुरेफशां सलीम। अदाकारा दुरेफशां सलीम जिन्होंने हाल ही के ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी से काफ़ी मकबूलियत हासिल की और अब ये पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की एक कामयाब अदाकारा बन चुकी हैं। अदाकारा दुरेफशां चार बहन भाई हैं। इनके दो भाई हैं और इनकी एक बहन है। दुरेफशां सलीम अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। अदाकारा दुरेफशां सलीम भी अपने बहन भाइयों के बहुत करीब हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि ये अक्सर अपने बहन भाइयों के साथ तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इनके बहन भाई इस वक्त जेरे तालीम हैं। नंबर 12 अदाकारा ऐमन खान और अदाकारा मीनाल खान। दोनों का शुमार ही पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकाराओं में होता है। अदाकारा मीनाल खान और ऐमन खान के तीन भाई हैं जिनके साथ वो अक्सर तस्वीर शेयर करती रहती हैं। अदाकारा मीनाल खान और अदाकारा ऐमन खान का कहना है कि इनके भाई हर काम में इनको सपोर्ट करते हैं और इन बहन भाइयों के दरमियान भी एक मजबूत रिश्ता कायम है। नंबर 13 अदाकारा उर्वा हुसैन और अदाकारा मारवा हुसैन। अदाकारा उर्वा हुसैन और अदाकारा मारवा हुसैन का एक ही भाई है जिसका नाम यजदान हुसैन है। इनके भाई यजदान हुसैन भी शोबिज इंडस्ट्री में परफॉर्म कर चुके हैं। यजदान हुसैन ने अपने शोबिज करियर का आगाज ड्रामा सीरियल समी से किया था। ये तीनों बहन भाई भी ज्यादातर एक साथ ही देखे जाते हैं और इनके दरमियान भी एक मजबूत रिश्ता कायम है। नंबर 14 मुनीब भट्ट। कामयाब अदाकार मुनीब भट्ट की एक बहन है। मुनीब भट्ट की बहन एज में इनसे छोटी हैं। अदाकार मुनीब भट्ट भी अपनी बहन के बहुत करीब हैं। अदाकार मुनीब भट्ट की बहन अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना नापसंद करती हैं। इस वजह से बहुत से लोग अदाकार मुनीब भट्ट की बहन के बारे में नहीं जानते। नंबर 15 अदाकार शहजाद शेख और अदाकारा मोमल शेख। ये दोनों कामयाब अदाकार और प्रोड्यूसर जुवेद शेख के बच्चे हैं। अदाकार शहजाद शेख और अदाकारा मोमल शेख अपने वालिद की तरह पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में काफी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। अदाकार शहजाद शेख और अदाकारा मोमल शेख को भी ज्यादातर एक साथ ही देखा जाता है। अदाकार शहजाद शेख और अदाकारा मोमल शेख को एक साथ कई इंटरव्यूज में भी देखा जा चुका है और ये अक्सर अपनी मुख्तलिफ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते रहते हैं। नंबर 16 सना जुवेद। अदाकारा सना जुवेद अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स और अपनी दिलकश पर्सनैलिटी के बायस अब तक पाकिस्तान के बहुत से ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं। अदाकारा सना जुवेद का एक भाई है जिसका नाम अब्दुल्ला जुवेद है। इनके भाई का तल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से ही है। इनके भाई इस वक्त शोबिज इंडस्ट्री में एज अ डिजाइनर और एज अ मॉडल काम कर रहे हैं। अदाकारा सना जुवेद भी अपने भाई के साथ तस्वीर शेयर करती रहती हैं और इन्हें एक साथ काफ़ी पसंद किया जाता है। अदाकारा सना जुवेद का कहना है कि इनका इनके भाई के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।